नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं एक नए औषधि पौधे रक्त विरार के बारे में, जिसे छत्तीसगढ़ी में रक्त विरार कहते हैं। वैसे तो यह वृक्ष संपूर्ण भारत में और पाकिस्तान, श्रीलंका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक पाया जाता है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इसका नाम अलग अलग होता है। हिंदी में से भैरी, चामरोड़, मराठी में अजान वृक्ष, धतरंग, संस्कृत में चर्म वृक्ष और छत्तीसगढ़ी में से रक्त विरार या रक्त विरार आदि के नाम से जाना जाता है। यह मध्यम आकार का पर्णपाती वृक्ष है जो 35 फीट तक बढ़ता है। अधिकतर इसका वृक्ष नदी किनारे या पहाड़ों में पाई जाती है। इसका तना भूरा और चिकना होता है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में इसकी छालों का बहुत अधिकता में उपयोग किया जाता है। पत्तियां सरल और मध्यम आकार की, अंडाकार, चिकनी, चमकदार और गहरे रंग की होती हैं। इसमें फूल छोटे सफ़ेद तुरही के आकार के आते हैं, जिनकी आकार 5 से 10 मिलीमीटर होती है, जो पकने पर संतरे या पीले रंग की होती है तथा सूखने पर काले रंग के झुर्रीदार हो जाते हैं। अगर इसकी छाल को दांतों से चबाया जाए तो दांत लाल हो जाते हैं, इसलिए इसे दांत रंग भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में इसे पान बनाकर चबाया जाता है। इसके पत्ते को तोड़कर उसमें कुछ छाल के छोटे टुकड़े को मिलाकर चबाया जाता है, जिससे मुंह और जीभ लाल रंगों से रंग जाता है, इसलिए इसे जीभरंगी भी कहा जाता है। इस पेड़ का हर भाग उपयोगी होता है। यह पेड़ हिमालय की तलहटी और राजस्थान के पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। आलंदी में श्री ज्ञानेश्वर की संजीवनी समाधि है, वहाँ एक विशाल अजान का पेड़ है। ऐसा माना जाता है कि संत ज्ञानेश्वर ने जब संजीवन समाधि ली तो समाधि में प्रवेश करने से पहले उन्होंने अपनी छड़ी मिट्टी में गाड़ दी, वह छड़ी जो अंततः पेड़ बन गई, वह अजान का पेड़ है। समाधि के पास वे 700 वर्ष से जीवित हैं। संत ज्ञानेश्वर त्रिकाल ज्ञानी थे। इस अजान के पेड़ के महत्व को जानकर वे इसे पेड़ के करीब ले आए। यह पेड़ सिद्धि प्राप्त करने वाला है और इसका विशेष महत्व है, क्योंकि यह शरीर के सभी रोगों को दूर करता है और शरीर के धातुओं को भी बदल देता है, इसलिए ज्ञानेश्वर ने इसे अपनी समाधि के पास रखा है। श्री क्षेत्र आलंदी में श्री ज्ञानेश्वर के मंदिर के परिसर में अजान वृक्ष को पवित्र माना जाता है। श्री एकनाथ में वर्णन किया है कि इस पौधे के पत्ते और फल मृत्यु को जीतने में सक्षम है। यह भी माना जाता है कि इस पवित्र वृक्ष के नीचे बैठकर पाठ करने से देवी ज्ञान का फल मिलता है। ज्ञानेश्वरी ग्रंथ में भी अजान वृक्ष का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार आध्यात्मिकता का पोषण करने वाले देवीय गुणों से संपन्न कुछ वृक्षों को देव वृक्ष कहा जाता है। ऐसे देव वृक्ष की पूजा की प्रथा भारतीय संस्कृति में है। संत एकनाथ महाराज के मंदिर में अजान का पेड़ जो इन देवी वृक्षों में से एक है। वारकरी संप्रदाय की दृष्टि से अजान के पेड़ का विशेष महत्व है। संत ज्ञानेश्वर महाराज की जन्मस्थली अपेगांव आलंदी, संत एकनाथ महाराज मंदिर और संत ज्ञानेश्वर महाराज के अंबाजोगई और फलटन के मंदिरों में अजान वृक्ष देखे जा सकते हैं। ऐसा लगता है कि ज्ञानेश्वर महाराज ने इस अजान के पेड़ को हमेशा अपने पास रखा था। अजान के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने से दिमाग तेज होता है। इस पेड़ का एक पत्ता रोज खाने से आपका मनोबल बढ़ता है। आज भी एकनाथ मंदिर में आने वाले भक्त इस पेड़ की परिक्रमा करते हैं और पत्तों को अपने मुंह में रखते हैं। संत एकनाथ महाराज ने अजान के पेड़ के बारे में बात करते हुए कहा था कि अगर आप इस पेड़ के फल का दूध के साथ सेवन करते हैं तो आपको लंबी उम्र मिलती है। संत वचन के अनुसार आज तक इस वृक्ष के नीचे बैठकर साधना करने वाले हजारों भक्त संत वचन को जान चुके हैं। आपेगांव स्थित संत ज्ञानेश्वर महाराज संस्थान के HBP का कहना है कि इस पेड़ की गिरी हुई पत्तियों का चूर्ण बनाकर सेवन किया जाए तो सारे विकार दूर हो जाते हैं। जैसे ही अजान का पेड़ फूलों से लहलहाता है, इसे एक शुभ संकेत माना जाता है। अजान वृक्ष का पुष्प 3 से 4 महीने तक खिला रहता है और इस अवधि के दौरान पेड़ के नीचे एक सुंदर सफ़ेद सुगंधित महक महसूस की जा सकती है।
इस विशेषता के कारण यह पेड़ बगीचे में या घर के पास लगाने के लिए उत्तम है। इस पौधे का उपयोग हड्डी टूटने, शरीर में चोट लगने, सूजन, वात विकारों के लिए किया जाता है। पत्तियों का नियमित सेवन दर्द, गले में खराश और दांत दर्द, अवसरवादिता, त्वचा रोग आदि में तथा लाल रक्त कोशिकाओं की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है। यह सभी प्रकार के ऑस्टियोपोरोसिस के खिलाफ प्रभावी है। चिकित्सा क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि अगर इस पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ऐसे पेड़ लगाकर उगाया जाए तो निश्चित तौर पर इससे कई मरीजों को फायदा होगा। यह पेड़ सिद्धि प्राप्त करने वाला है और इसका विशेष महत्व है क्योंकि यह शरीर के सभी रोगों को दूर करता है और धातुओं को भी बदल देता है। इसीलिए ज्ञानेश्वर ने इसे अपनी समाधि के पास रखा है। पेड़ की छाल औषधि गुणों के लिए जानी जाती है, खासकर छत्तीसगढ़ उड़ीसा में इसकी छाल का बहुत उपयोग किया जाता है। इसकी छाल को चाय के रूप में पानी में उबालकर पिया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यह औषधि गुणों से भरपूर चमत्कारी पौधा जो कि धार्मिक आस्था से भी जुड़ा हुआ है। इस पौधे के बारे में आपको जानकर कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तो स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।